अगर आप इसे कॉपी करते तो वो यहाँ पे भी रहता, और ऐसे ही आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट करते जा रहे हैं तो सी ड्राइव की मेमोरी फुल होती जाएगी। क्यों? क्योंकि आप तो कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं दूसरी जगह, तो वहां से वो रिमूव नहीं हो रहे हैं, तो सी ड्राइव की मेमोरी आपकी क्या होती जाएगी? फुल, जिससे कि आपका सिस्टम स्लो वर्क करने लगेगा। तो इसलिए अपन यहाँ से कट कर देते हैं। कट करने से क्या होगा, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा डॉक्यूमेंट, और अपन इसे यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब आपका ये कट कर दिया आपने, जहां कहीं भी आपको पेस्ट करना है, मतलब डॉक्यूमेंट को सेव करना है, वो लोकेशन ओपन करेंगे आप। तो अपन चलते हैं दिस पीसी में और एच ड्राइव में। तो यहाँ पे कुछ डाटा आ रहा है आपका, अपन इसमें डबल क्लिक करते हैं और इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं। देखिए आ गई आपका यहाँ पे, और ये 001 आ रहा है, ये लगा कर देता है आपको। अपन ने तो सिर्फ ओनली सेंडर का नाम दिया था, 001 उसने ऑटोमेटिक लिया है। जब आप स्कैन करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट में लगा के देता है आपको। तो इतना आया आप सभी को स्कैन करना, ठीक है? इसके बाद इसे कब स्कैन किया गया, वो डेट और टाइम बता रहा है आपको, उसका साइज कितना है वो यहाँ पे बता, यहाँ पे तो वो केबी में बता रहा है, जब आप इसे डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो वो एमबी में बताएगा आपको, 0.98 MB, ठीक है? अब आपको उसको केबी में साइज करना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है अधिकतर डॉक्यूमेंट आपके केबी में ही अपलोड होते हैं। अब अपन इसे केबी में करना चाहते हैं साइज। अगर आपको लग रहा है ये क्रॉप हो सकती है, ये जो डॉक्यूमेंट आपका है क्रॉप हो सकता है, तो आप इसे क्रॉप करेंगे, तो उसको लेके करेंगे यहाँ पे एडिट पिक्चर्स है। याद रखना, जो स्टूडेंट नीचे रिवीजन करते हैं उनके सिस्टम में विंडो एट है, तो वो डबल क्लिक करने से ही आपका ये किस में ओपन हो जाएगा? पिक्चर मैनेजर में, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। अगर आपके सिस्टम में विंडो 10 है तो आपको राइट क्लिक करके ओपन करना रहेगा। तो हम राइट क्लिक करके बता दें, डबल क्लिक से तो सभी को ही आता है। तो पहले आप क्या करेंगे, इस पिक्चर को यहाँ पे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे। इस डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया आपने, अब आप इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओपन विथ का ऑप्शन मिल रहा है आपको। ओपन विथ में आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 दे रहा है। इसको पिक्चर मैनेजर भी बोलते हैं, आप जब सर्च करते हैं तो पिक्चर मैनेजर के नाम से भी आ जाता है। इसे ओपन करते हैं, ठीक है? और इसका सेटअप रहता है शेयर पॉइंट के नाम से इंस्टॉल करने के लिए। अब अपन एडिट पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्रॉप का ऑप्शन मिल रहा है। क्रॉप पे क्लिक करेंगे आप तो इस टाइप से साइन आ जाएंगे, लेफ्ट राइट में, टॉप बॉटम में, कॉर्नर पे। तो आप यहाँ से इसको कम कर सकते हैं, जितना भी आपको क्रॉप करना है इसको कर सकते हैं, ठीक है? और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको कंट्रोल एस करना है। तो देखिए आपका कितना हो गया, 979 KB होगा, या अभी आपका कितना था, 0.98 MB था, अब केबी में होगा। अब अपन और भी कम करना है, अपन को इसका साइज 250 से 300 KB के बीच में रखना है, ठीक है? तो करें, चलिए अब अपन क्या करेंगे, फिर से एडिट पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ये नीचे मिल रहा है आपको रिसाइज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको अब साइज डालना। किस अकॉर्डिंग साइज कम करती है अपन, अपन को डॉक्यूमेंट का जितने भी परसेंट साइज कम करना है 100 में से उतना माइनस कर देते हैं, फिर उसका जो डिफरेंस आता है वो अपन उसमें लिख देते हैं। जैसे आपको 10% कम करना है तो 100 में से आप कितना माइनस करेंगे, 10, तो कितना बचेगा, 90, 90 आएगा, तो आप यहाँ पे 90 लिख देंगे और इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अभी आपका साइज वही बताएगा। क्यों? क्योंकि अभी आपने कंट्रोल एस नहीं किया, तो आप कंट्रोल प्लस एस कर देंगे और फिर इस पे आप माउस पॉइंटर लेके जाएंगे। तो देखिए 712 आ गया केवी, अभी और भी कम करना है। एस एस हमारे नाम वाला एस, ठीक है? कंट्रोल एस से क्या होगा, जिस लोकेशन पे आपने आपके डॉक्यूमेंट को रखा है ना, वो न्यू जो साइज आप बना रहे हैं उसी लोकेशन पर उसी नाम से वो आपके साइज को चेंज करता जाएगा, ठीक है? अब अपन और कम करते हैं। अब जैसे आपको 50% का 15 कम करना है, तो 100 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 85, तो यहाँ पे अपन 85 लिख देंगे, ज्यादा नहीं हो जाए। आप याद रखना थोड़ा थोड़ा करके कम करा करें, ज्यादा कम हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, बढ़ाएंगे कैसे, उसका भी तरीका है। लेकिन कंट्रोल एस किया अपन ने तो कितना आ गया, 475। अभी तो और भी करना है क्योंकि अपन ने कितना करना है, 250 से 300 KB,
जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट के लिए आप करते हैं, जैसे कुछ फॉर्म फिल करते हैं और वहां पे आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं, तो वो आपको साइज बताता है कि इतने से इतने एमबी या केबी या पीडीएफ, जो भी फॉर्मेट है वो सब कुछ बताता है आप। अभी आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम पता कैसे करेंगे? जैसे कि आप जो डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए अप्लाई करते हैं, मॉर्निंग में इंटरनेट की क्लास में बताया है, उसमें आपका साइज कितना मांगता है? 10 KB से 250 KB के बीच में, और किस फॉर्मेट में मांगता है? जेपीजी फॉर्मेट। तो आप जब भी कोई फॉर्म फिल करते हैं तो वो फॉर्मेट और साइज दोनों बता देता है आपको, तो आपको फिर बनाना आता है। ठीक है, अब अपन और भी कम कर लेते हैं यहाँ पे, 10% फिर कम कर दें, तो 100 में से माइनस करेंगे 90 आ जाएगा, कंट्रोल प्लस एस कर देंगे तो अभी भी है, तो अपन यहाँ पे अब 5 कर देते हैं, तो 95 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि अपन 10 करेंगे तो हो सकता है ज्यादा कम हो जाए, क्योंकि अपन पास में ही पहुंच गए हैं, 300 के पास में ही आ गए अपन, इसलिए अभी 303 आ रहा है। अब अपन यहाँ पे 98 मतलब 2% कम कर देते हैं, तो 98 लिखा हमने और कंट्रोल प्लस एस किया, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे हो गया आपका 250 से ज्यादा है, 300 से कम है, तो इतना आ जाएगा आप सभी को। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नीचे हम कैसे रिवीजन करेंगे इसका, स्कैन नहीं कर पाएंगे आप डॉक्यूमेंट क्योंकि वहां पे प्रिंटर अटैच नहीं है, लेकिन आप साइज बनाकर देख सकते हैं। वो कैसे? आपके सिस्टम में कोई भी डॉक्यूमेंट होगा, कोई भी इमेज होगी, एक्स वाई जेड कोई भी नेचर की, डॉल की, या जो भी कुछ इमेज हो, जो भी कुछ वॉलपेपर हो, आप उसका साइज बना लेंगे, प्रोसेस सेम यही रहेगी आपकी। जैसे कि हम एक बार बता देते हैं, जैसे ये लोगो है आपका, इसका साइज कितना है? 60 मतलब 60.9 KB। ठीक है, इसको डबल क्लिक करके ओपन किया तो इसका साइज आपको कम करना है, तो अपन एडिट पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे, रिसाइज अपन थोड़ा सा कम कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी उसका बहुत कम है, कितना कम होगा और, तो हम यहाँ पे 2% कर देते हैं, कंट्रोल प्लस एस कर देंगे तो आप देखेंगे 35 हो गया। तो आप किसी भी पिक्चर का साइज बना के देख लेना। ओके, चलिए अब अपन मेल करते हैं डॉक्यूमेंट। तो मेल करने के लिए सबसे पहले आप सभी को पता है आपके पास मेल आईडी होती है, मोबाइल में जो लॉग इन रहती है, वो मेल आईडी को आपको सिस्टम में लॉग इन करना होता है। तो अपन गूगल क्रोम पे भी कर सकते हैं और फायरफॉक्स पर भी कर सकते हैं। गूगल क्रोम ओपन करेंगे आप, यहाँ पे जीमेल लिखा है, जीमेल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये आईडी पहले से आ रही है, अगर आपको आईडी यहाँ पे पहले से नहीं मिलती है तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे यूज अनदर अकाउंट इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप आपकी मेल आईडी डालेंगे। ठीक है, डाला और नेक्स्ट कर देंगे, या फिर कीबोर्ड से एंटर की भी कर सकते हैं आप, तो उसने यहाँ पे आईडी ले ली आपकी। ठीक है, अब यहाँ पे जो आईडी आपने डाली उसको पासवर्ड जो होगा आपका वो पासवर्ड डालना है। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो यहाँ पे आ रहा है फॉरवर्ड पासवर्ड, यहाँ से फॉरवर्ड कर देंगे आप। ठीक है, ओटीपी आएगी आपके पास, जो आपने मेल आईडी जिस नंबर से बनाई होगी उस नंबर पे, तो वो प्रोसेस रहती है, पहले अपन लॉग इन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि डॉक्यूमेंट मतलब आपकी मेल आईडी लॉग इन हो गई है और यहाँ पे आपके वो डॉक्यूमेंट आ रहे हैं जो आपको मेल आया है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे, अभी आपका इनबॉक्स पे क्लिक है, इनबॉक्स मतलब जो अपने पास आया, और नीचे आपको सेंड का ऑप्शन मिलेगा, सेंड मतलब जो आपने सामने वाले को सेंड किया है। ठीक है, चलिए अब अपन को मेल करना है। अब यहाँ पे ये मीमी लिखा हुआ आ रहा है, मतलब खुद की मतलब हमारी आईडी से ही हम ही ने मेल किए, हम कोई खुद कोई किए हैं मतलब, तो इसलिए यहाँ पे आ रहा है, और ये आ रही है दूसरे की मतलब आईडी, तो उसने किया है जिसका नाम मतलब आईडी आ रही है, ये सर की आईडी जो सर ने किया है हमको मेल, तो यहाँ पे ये मेल बता देता है कि किसके नाम से क्या आया है आपको। ठीक है, चलिए अब आपके पास ये कमबॉक्स ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टू टू में उस पर्सन की मेल आईडी लिखना है जिसको आप मेल करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट, एक साथ आप एक से ज्यादा पर्सन को भी मेल कर सकते हैं। हाँ, टू में ही सबकी आईडी आएंगे आपके, तो हम लिख देते हैं, हमारी लिख लेते हैं हम, तो हमने कुछ यहाँ पे आईडी